चंद्रशेखर पर जमकर हमलावर हुई मायावती, बोली भाजपा और कांग्रेस लड़ा रही चुनाव, ऐसी पार्टियों को मत। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा कांग्रेस और नगीना से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने चंद्रशेखर को भाजपा और कांग्रेस द्वारा बसपा के वोट बैंक को बांटने के लिए संगठन बनाने और चुनाव लड़ने वाला बताया। कहा, ये पार्टियां और लोग चुनाव में आपको बांटकर बसपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए खड़े होते हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा कांग्रेस और नगीना से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने चंद्रशेखर को भाजपा और कांग्रेस द्वारा बसपा के वोट बैंक को बांटने के लिए संगठन बनाने और चुनाव लड़ने वाला बताया। कहा, ये पार्टियां और लोग चुनाव में आपको बांटकर बसपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए खड़े होते हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है। नगीना सीट पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसी पार्टियों और लोगों को एक भी वोट मत देना। बिजनौर और नगीना में जनसभा को मायावती ने किया संबोधित। मायावती बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के शासन में हुए मुजफ्फरनगर दंगे में जाट समाज का उत्पीड़न किया गया, ऐसा करके आपस में नफरत पैदा की गई, अब हम एकता कराएंगे। अपने 29 मिनट के संबोधन में कहा कि जिस प्रकार गलत नीतियों और कार्यों के कारण कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश में अपनी सरकार को खोया, अब उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। इस बार वोटिंग और मतगणना ईमानदारी से हुई तो फिर से भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है। भाजपा पर साधा निशाना, कांग्रेस की भांति भाजपा ने भी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। मायावती ने कहा कि आज किसान परेशान है, हमने सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य बढ़ाया। कहा कि सपा अब किस मुंह से वंचितों पिछड़ों का वोट मांग रही है। प्रमोशन में आरक्षण के विधेयक का सपा ने ही विरोध किया था, अब सपा प्रत्याशियों की आपको जमानत जब्त करानी है। भाजपा के राज में धर्म की आड़ में जुल्म हो रहा है, गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। मायावती ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र हवा हवाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।